गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो सुबह सुबह मुझे है कुछ काम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और पहले पूजा कर लेते हैं मंदिर में, मैं जो ज्योत जला लेते हैं, क्योंकि फिर मैं सुबह सुबह निकलूंगी और आप सबको भी लेके चलूंगी और दिखाऊंगी मैं कहाँ जा रही हूँ। और फ्री अप से कपड़े पहने, ताकि मतलब गर्मी तो हो ही रही है, ताकि कम्फर्ट लगे। तो चलिए जल ले आते किचन। की शुरुआत जब भी भगवान के साथ करते हैं तो एक मनोकामना जो मन में चलती रहती है उसकी संतुष्टि पहले से ही हो जाती है कि शायद जैसे सब कुछ मिल गया हो और अब किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही है। और लाइफ में अगर संतुष्टि होगी, बिल्कुल स्पेस जिसे बोलते हैं ना, पीस माइंड, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होगा फिर। दोनों तरफ तुलसी है, मेरे पास ये नहीं बोली था। इसी तरह से सब कुछ एक मिनट। तो चलिए ले लेते स्कूटी की चाबी और पहन लेते अपना। और सबसे ज़्यादा गर्मी में जिस चीज़ की नीड है, हैंकी और अपने डॉक्यूमेंट इसमें, और बैंक से भी लेते और चाबी ले लो, और ये है लूट आपको मेरे। थैंक यू। चलिए, जैसे पहले तो पर्दा प्रथा है ना थोड़ी सी, तो उसके लिए दुपट्टा ले लिया। उसके बाद वहाँ से अपना काम के लिए निकल जाऊँगी और मिलूँगी आपको थोड़ी देर बाद। और ऑरेंज पे कवर्न आप देख ही रहे होंगे, फिंगर आ रही है इसमें यहाँ पर। और सुबह निकल गई मैं, क्योंकि सुबह सुबह अगर काम फ्री कर लो तो ठीक है, अदरवाइज बहुत लेट हो जाता है। फिर मुझे भी अपने थोड़े से कुछ काम होते हैं बिजी, और बच्चों का स्कूल का आना होता है, शूट्स और जैसे मैं शूटिंग करती हूँ, लिविंग जो लाइफ होती है मेरी रेगुलर कंटिन्यू, वो सबसे रिलेटेड जैसे काम होता है तो वो भी है, अपना सब देखना पड़ता है। और अभी भी जैसे ही काम वो भी कर लेते हैं। चलो चलिए पहुंच गए मैं, और फिर दिखाऊंगी। और कुछ सुविधाएं आप देख सकते हैं बैंक वालों ने बहुत अच्छी कर रखी है, जैसे कि गर्मी में आता है कोई साथ के साथ ही, पानी का अरेंजमेंट इतना अच्छा कर रखते हैं कि ठंडे पानी गर्म पानी, किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम है, सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छा। तो बस मैं बैंक से रिलेटेड वर्क करके अब चलूँगी घर। यहाँ से तो हो गया हमारा काम डन, अब जो आगे का काम है वो देखते हैं। वैसे मुझे कुछ खाना है, भूख लगती है मुझे घर से बाहर निकलने के बाद ही, बहुत ज़्यादा रहती है हमेशा। और बच्चे स्कूटी के पास ही मतलब वो लगा रहे हैं। चलो
देखते हैं क्या खाने का प्लान बनता है, क्या खाऊंगी। सजे घर पर ही है, उससे पूछ के आई थी, तुझे कुछ खाना होगा तो बताइए। कर रहा था यहाँ एक शोरूम था उसकी, जो हम शॉपिंग वगैरह करते थे ना उससे जरूरी थी, लग रहा बंद हो गया। स्कूटी में क्या है, बत्ती ऐसे लुप लुप करने लगती है, मतलब तेल का, तेल की डिमांड कर रही है जी। तो इसे तो ऑफ कोर्स भूख लग रही होगी, तो ये मेरी धन्नो है, बहुत ही प्यारी। इतनी प्यार से, इतनी सॉफ्टनेस है। खाने का मन होता है, खाने खाने की वो आपको दिखाऊं। यहाँ देखती हूँ, वैसे फ्रेश फ्रेश जूस का भी मन है थोड़ा बहुत, कुछ खा ली हूँ। बैंक के काम थोड़े से रहते हैं ऐसे, लेकिन अच्छा स्टाफ मिल जाए ना, मेरा जो मतलब हमारा जो यहाँ का स्टाफ है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत अच्छे से जैसे बताता है, नॉलेज देते हैं, मतलब भी बोलते हैं हमसे क्या सही है क्या गलत है, या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो आपको वो सब भी बताते हैं। ये हमारे यहाँ पर बैंक का बहुत अच्छा प्रकृति है, मुझे इसलिए अपना बैंक बहुत अच्छा लगता है। अच्छा मैं वही देख रही हूँ कि वहाँ से लेकर वहाँ तक कोई ना दिखाई दे रहा, वहाँ भीड़ भी लग रही, पर फिर भी मैंने कहा वहाँ ना खाऊं जब, तो कम से कम यहाँ चले दे दो, एक प्लेट लगा दो थोड़ा सा, या तो ऐसा कर लो ना, या फिर ये थोड़ी सी आगे कर लो ताकि दिखाई दे। अच्छा ना, अच्छा कहाँ, वहाँ मोड़ पे तो ना हो, यहीं पे लगाता था। अच्छा तो होंगे भाई, जब ये होंगे ना ग्राहक तो उन्हें नो लग रही होगी कभी आया ना है। अच्छा हाँ, तो किसी को पता ना होगी। रायता भी दे दिए ठीक है, एक रायता और सब्जी। मोबाइल नंबर है, फिर ये मोबाइल नंबर क्यों डाल रखा है, डिलीवरी है कैसा, शादी वादी में खाने के लिए भी। अच्छा चलो, नंबर रखा रहेगा ना फिर। तो यहाँ पर मैं उस भैया से यही बोल रही थी कि इनकी पे कोई भीड़ नहीं थी, और जिसमें पीछे मैं छोड़ के आई हूँ उस पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। फिर मैंने सोचा अगर किसी की मदद करनी है और दो पैसे देने हैं तो कम से कम इनकी हेल्प करी जाए, क्योंकि मुझे देख के फिर काफ़ी कस्टमर आ गए थे। तो चलिए, और ये आ गई मेरे पेठे की सब्जी, और एक आलू छोले की सब्जी, और गाढ़ा सा रायता, इतना गाढ़ा रायता था, बहुत ही टेस्टी और यमी था। बस 30 रुपये की प्लेट थी, 10 रुपये का रायता था, और इसमें 6 पूरियां थी, जबकि मुझ पे तो 6 पूरियां खाई भी नहीं गई थी, लेकिन फिर भी इतनी यमी और टेस्टी थी। और मिर्च का अचार था, प्याज था, आगे आप देखना। तो कभी कभी जैसे बाहर निकलते हो, कभी कभी इस तरह का जो टेस्टफुल वर्क खाना होता है ना, वो ज़रूर आप एक बार टेस्ट करके देखें। और बिल्कुल फ्रेश फ्रेश रेडी कर रखा था, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैंने तो काफ़ी इंजॉय करा, आप भी कीजिए।
और मुझे जो यहाँ की सबसे अच्छी बात लग रही थी वो था ये ओपन एनवायरनमेंट। मुझे ओपन एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मुझे ढाबा फूड बहुत पसंद है, स्ट्रीट फूड बहुत पसंद है, और जहाँ खाना टेस्टी हो उसकी तो क्या बात। तो फिर मैंने उसी सज्जन को फ़ोन किया था, उसने सैंडविच वगैरह बना ली थी घर पर। वो मना करने लगा कि मम्मी मैं नहीं खाऊँगा, आप खा के आ जाओ जो आपको खाना है। तो चलिए, बहुत अच्छा टेस्टी फ्रेश फूड था। और उसके बाद घर पर देखते हैं क्या काम है आगे का, वो भी देखते हैं। और चलिए चलते हैं, एंजॉय करते हैं अपना लंच, और कभी कभी कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर करें, और अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बिल्कुल। और चावल किसके साथ दे रहे हो, सब्जी की, इसी को? एक बात देखो भाई, एक दो जने हैं और खाना बनाना है, तो जिस हिसाब से टमाटर 200 रुपए किलो हो रहे हैं और सब्जियां भी महंगी होती जा रही हैं, तो वहां पर ये वाला जो खाना भी आपने देखा था, 6 पूरी 2 सब्जियां रायता, क्या मिल सकता है 30-40 रुपए में? कहां सब्जी बनती है, गैस है सब है। जी तो एक दो जो बंदे रहते हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए मुझे लग रहा है ये वाला खाना सबसे ज़्यादा सक्सेस है। और बिल्कुल, और देखो पेड़ों के बीच कितना अच्छा है आ रहा है मेरा। और चल रही हूँ घर वापस, हो गया मेरा काम और खा पी लिया मैंने, बहुत टेस्टी और यम्मी था। और चलिए, इनका भी देखिए काम ज़रूरी है, कभी कभी हम सभी थोड़ा बहुत सोचें खाते हैं, इनके इनके घर चलते हैं हम, जैसे अगर कभी कभी इनके लिए इंक्लूडेड हो। तो चलिए चलते हैं घर, फिर हम भी आपको देखा ही था मैं थी जब बैंक के रिलेटेड। अब हम आए ऑयल डलवाने के लिए, और आपको जो हमारे यहाँ का हुआ है ना इस्कॉन टेम्पल वो दिखाऊंगी, छोटी टिकरी हो गई सामने से दर्शन करते हुए जब चलेंगे सबके दर्शन होते हैं। इस्कॉन टेम्पल चलिए आज का दिन यही एंड करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, एंड अगेन कंटिन्यू करूँगी ये वाला व्लॉग आगे घर पे जाने के बाद, क्योंकि शिवम आया तो ऑयल डलवाना ज़्यादा ज़रूरी था। और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, और मेरे व्लॉग के साथ इंजॉय करते रहिए हमेशा। बाय बाय।